जितने भी इंसान है इस धरती पर ना, उनको कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है भैया? मुश्किल फेस क्यों करना पड़ेगा लाइफ में, कष्ट को झेलना क्यों पड़ेगा? क्योंकि अगर आपको सक्सेस का, सफलता का सही मायने में अगर आनंद उठाना है, सही मायने में रियल खुशी फील करनी है, तो आपको कम से कम ना कठिनाइयों यानी आपको मुश्किल भरे दौर से गुजरना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा सक्सेस पाने के लिए। अगर बना बनाए अगर सक्सेस मिल जाए ना, तो मजा नहीं आएगा कि वो एक्चुअल में सक्सेस है कि नहीं, वो आप खुद समझ नहीं पाओगे, बहुत बोर लाइफ लगेगा। लेकिन अगर मेहनत कर कोई चीज पाई जाए ना, तो वो आपको रियल खुशी फील होगी, महसूस कर पाएंगे। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा कल, यानी कल 1 मई है, तो शाम को 6 बजे से आपका कौन सा क्लास चलेगा, सभी को मैं बता चुका हूँ 3 से 4 दिन में कि मैथ का बेसिक क्लास कल से चलेगा। जो भी मैथ में कमजोर है, नोट्स बनाते रहो, एग्जाम आते आते आपका सारा सिलेबस पानी की तरह कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात और, टेलीग्राम से आप सभी जुड़ जाना, ताकि आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाए हर एक वीडियो का आपके फोन पर। और एक बात, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि आप सभी को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके आपके फोन तक जो है वो मिल जाए। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, जो है सक्सेस की 98, डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है? चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का, या फिर एसएससी का। अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाई करते हैं, तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ आने वाले 1 साल तक हर एग्जाम का मॉक टेस्ट कम से कम 20 से 25 सेट दिया जाएगा, ताकि आप सभी अपने आप को जज कर पाओ उस एग्जाम से पहले। और आज कवर करेंगे इस महीने के लास्ट दिन यानी 30 अप्रैल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या। पहला प्रश्न है, आप सभी को पता है ना 25 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? तो आप बोलेंगे भैया उस दिन मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। आपको यह बताना है वर्ल्ड मलेरिया डे का जो विषय है 2020 का, वो है क्या? पहले तो आप ये याद रखना कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, और इस बार का 2020 का जो विषय दिया गया है ना, वह दिया गया है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, ऑप्शन नंबर आपका डी। 2020 का यह विषय है वर्ल्ड मलेरिया डे का, ठीक है? अगला प्रश्न हमारे सामने है, ग्रिम वॉटसन एक बहुत ही लाजवाब क्रिकेटर थे जिनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको क्वेश्चन में यह बताना है, यह जो ग्रिम वॉटसन थे वो किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो सही आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही लाजवाब ऑलराउंडर में से एक थे ग्रिम वॉटसन, ठीक है? और एक बात, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? तो आप सभी को पता है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का अगर मुद्रा की बात करें तो आप क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वही बात करें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम, तो आप बोलेंगे स्कॉट मॉरिसन, ठीक है? अगला प्रश्न हमारे सामने आने वाला है, वोडाफोन ने कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है जिससे अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए व्यक्तियों और छोटे जितने भी व्यापारी हैं ना, उनकी मदद करने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाकर रिचार्ज साथी एक अभियान, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो वोडाफोन ने किसके साथ हाथ मिलाकर यह प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसका नाम क्या है? रिचार्ज साथी। और वोडाफोन ने पेटीएम के साथ मिलकर जो है यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पहला क्वेश्चन आपका आज का थोड़ा हटकर रहेगा, और क्वेश्चन ये रहेगा ना कि वोडाफोन के सीईओ का नाम क्या है, ये आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा पेटीएम के सीईओ का नाम क्या है, ये आपको बताना है। दो क्वेश्चन है, दो कंपनी है, वोडाफोन और पेटीएम, और दोनों के सीईओ के बारे में आपको कमेंट कर बताना है कि वोडाफोन और पेटीएम के सीईओ कौन है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस बैंक ने COVID-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से जान माल के नुकसान के मामले में, अच्छा जितने भी व्यापार यानी बिजनेस क्रॉस्पोंडेंट है, मैं समझा रहा हूं ये किसको बोलते हैं, उनके लिए अगले सदस्य को यानी जो भी उनका नॉमिनी होगा, आप कभी बीमा करवाते हैं ना इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस में आपके घर के किसी व्यक्ति का भी नाम दिया जाता है कि अगर आपको कुछ हो जाए
तो जो आपके बाद जिनका नाम आपने दिया है उनको पूरा बीमा का जो है वो फायदा मिलेगा। उसी तरह अगले सदस्य को जो है वो 10 लाख रुपए का भुगतान दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट किस बैंक के द्वारा किया गया पहले सुन लो, यह बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट होता क्या है, तो यह इसको बोलते हैं, मान लो ना उस बैंक का, पहले तो आंसर सुन लो, इसका आंसर है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर डी। अब मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा के बहुत सारे एजेंट हैं, हर एक बैंक के बहुत सारे एजेंट होते हैं, वो उस कंपनी का जो भी मटेरियल है, मान लो इंश्योरेंस है, मान लो खाता खुलवाना है, वो सब क्या करवाते हैं, बेचवाते हैं, गांव गांव जाकर लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप इस अकाउंट में खाता खुलाइए। यानी आप इनडायरेक्ट बोल सकते हो उस बैंक का एजेंट जो भी है, अगर उनकी मृत्यु कोविड 19 की वजह से हो जाती है, अगर आप वो गांव गांव जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं इसमें क्या है, संक्रमित होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, अगर मान लो उनकी मृत्यु हो गई, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बोला है अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को, जो भी नॉमिनी होंगे उनको 10 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे, और साथ साथ ये भी बोला है 60,000 रुपए का बीमा भी दिया जाएगा। किसके द्वारा? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर अलकापुरी जो बड़ौदा में पड़ता है। इस बैंक का टैगलाइन क्या है? इंडिया इंटरनेशनल बैंक, और सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा, ठीक है ना। और एक बात मैं आप सभी को तो बताना भूल ही गया, चलो आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कोविड 19 पैंडेमिक यानी कि महामारी से निपटने में कौन सी कंपनी है जो तमिलनाडु सरकार को तकनीक सहायता देगी, यानी टेक, जितने भी टेक सपोर्ट है, जितने भी तकनीकी सहायता है वो तमिलनाडु सरकार को वो कौन देगा? तो वो देने जा रहा है आपका SCL कंपनी, ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। और अगर बात करूं तमिलनाडु सरकार का, तो वहां के सीएम कौन है? इडप्पडी के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, और कैपिटल क्या है आपका? चेन्नई। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस अर्धसैनिक बल ने भौतिक स्पर्श की आवश्यकता के बिना फाइलों की आवाजाही के लिए ई कार्यालय नामक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की है? अब क्वेश्चन को पहले आप सभी अच्छे से बहुत समझ लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका CISF, सेंट्रल, उसके बाद आई से इंडस्ट्री, एस से सिक्योरिटी, एफ से फोर्स। तो CISF ने घोषणा किया है, अब मान लो बहुत सारे स्टाफ नहीं आ रहे क्योंकि कोविड 19 के वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, उसके माध्यम से ना जो भी ऑफिस के काम है, जो भी ऑफिस के काम है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से वो सभी कोई जो है वो कंट्रोल कर पाएगा, यानी बिना आवाजाही के। और ये अनाउंसमेंट किस अर्धसैनिक ने किया है, किस बल ने? तो CISF ने। और CISF के डायरेक्टर जनरल कौन है? नाम याद रखिएगा, राजेश रंजन जो है वो डायरेक्टर जनरल है, कहां के? CISF के, ठीक है। और अगर बात करूं, और एक बात, CISF डे हम लोग कब मनाते हैं प्रतिवर्ष? तो मार्च 10 को मनाया जाता है, यह भी याद रखना इस क्वेश्चन के साथ साथ। अगला प्रश्न हमारे सामने, राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह में, राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह में के बाद नए प्रमुख सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति भवन का? तो उनका नाम है संजय कोठारी, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस संगठन का नाम बताना है जिसने भारत के छात्रों और शिक्षकों के लिए, यानी स्टूडेंट और टीचर्स दोनों के लिए, जो लॉकडाउन चल रहा है उसके दौरान लर्नर सीरीज ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है UNODC के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 24 से 30 अप्रैल तक मनाए जाने वाला विश्व टीकाकरण सप्ताह का विषय क्या है? पहले तो आप ये याद रखिएगा, विश्व टीका दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 24 से 30 अप्रैल के बीच में। इस बार का जो थीम है, जो विषय है वो क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, सभी के लिए टीका का काम, या टीका वर्क बोल सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने
जितने भी मरीज हैं उनको दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना शुरू की है, ये आपको बताना है। आप सभी को पता है अभी बहुत सारे लोग क्या है बाहर जा रहे हैं, लेकिन अब क्या है अगर आपके घर में कोई भी पेशेंट है, कोई भी मरीज है, तो आप अगर इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाल लेते हैं या फिर इस स्कीम के माध्यम से आप दवा जो है अपने घर पर डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। यह योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आसाम के राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। और आसाम के सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। अगर बात करूं राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। और कैपिटल तो वो तो सभी को पता है, दिसपुर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हर साल 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला क्या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का विषय क्या है। पहले तो आप याद रखना, 26 अप्रैल को मनाते हैं हम सभी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, और इस बार का जो विषय था ना वह था आपका इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 30 अप्रैल का। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है, तो जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो अगर फोन में टेलीग्राम है तो सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, आपको वहां पर जो है पीडीएफ मिल जाएगा। और 1 मई कल शाम को 6 बजे से पहला क्लास है, एक भी क्लास मिस मत करना, एक भी नोट्स मिस मत करना। ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, चलिए।